मैंने एक जीवन में एक डिवीजन किया ह्यूमन बीइंग का, एरिस्टोक्रेसी एंड कॉमन मैन सब इसमें आते हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट नहीं। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं और ये दो कयामत तक रहेंगे। एरिस्टोक्रेसी 2%, कॉमन पीपल 98%। और इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा मेजर, ये कोई भी काम करेगा उसके सेंटर में इंटरेस्ट होगा। कोई भी काम, ये काम करेगा उसके सेंटर में इंटरेस्ट होगा ही नहीं। फियर हो सकता है, इमोशन हो सकता है, बस इसीलिए ये कॉमन है। अभी एक डेवलपमेंट हुई बिहार में, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, सभी करते हैं, कोई उन्होंने थोड़ी किया है, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें कह रहा हूं, सभी करते हैं। एरिस्टोक्रेसी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। उसके नियम अलग है, उसके कानून अलग है। खैर, हम आज इस बात पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, हम चर्चा करने आए हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन पर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अब ये पूरी प्रिपरेशन, जिनका बेस अच्छा है, दोस्त हू हैव अ गुड बेस, जिनका बेस अच्छा है उनको चाहिए 10 months, और जिनका बेस नहीं है, दोस्त हू डोंट हैव अ बेस, दे नीड 20 months। दोस्त हू हैव अ बेस, दे रिक्वायर 10 months। जिनके कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स क्लियर है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फोर्स, मास, इनर्शिया, मोमेंटम, इसको नहीं पढ़ना, उनको चाहिए 10 months। और जिन्हें सब कुछ बेस से प्रिपेयर करना है उनको चाहिए 20, 2 साल चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। फिर गाइडेंस चाहिए। इस 20 months को यूज कैसे करें, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। अब आईएएस की जो प्रिपरेशन है वो यहां से शुरू होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, पेंस, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। पहला एग्जाम क्या है, प्रीलिम्स, फर्स्ट एग्जामिनेशन इज प्रीलिम्स, बट प्रिपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहला एग्जाम ये है, दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन, फर्स्ट स्टेप, ये पहला एग्जामिनेशन है, फर्स्ट एग्जाम। लेकिन प्रिपरेशन यहां से नहीं, प्रिपरेशन यहां से होती, शुरू यहां से होती। अब मेंस की जो प्रिपरेशन है, स्कूल, कॉलेज, स्कूल की जो प्रिपरेशन है वो कनेक्टिविटी पे बेस्ड है। स्कूल की जो पढ़ाई है, स्कूल में सिर्फ एक ही काम करना होता है स्कूल के लोगों को, पता नहीं वो अच्छे से कर पाते हैं या नहीं, लेकिन इंडिया में ह्यूमैनिटीज के साथ जितना बुरा रवैया होता है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। इसीलिए हिंदुस्तान का आज जो बहुत बड़ा तबका है वो नेहरू जी को इसलिए नहीं याद रखता कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आए थे। अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, एक बहुत बड़ा तबका नेहरू जी को, जेएल नेहरू को जानता है, इसलिए जानता है एडविना माउंटबेटन के लिए। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस देश की एजुकेशन सिस्टम। बड़े सारे टीचर होते हैं 9th 10th में बच्चों से बोलते हैं कि बेटा 2 साल पढ़ लो, उसका जीवन में कभी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है बेटा, कभी पॉलिटी नहीं पढ़नी बेटा, बेटा ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़नी बेटा, तुमको डॉक्टर बनना है बेटा, डॉक्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, साइंस के सब्जेक्ट्स थ्योरी पे हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसमें कुछ एनालिसिस नहीं करना। तो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है उसका अप्रोच लड़कों का यहां पे होता ही नहीं। मेजॉरिटी यहां लॉ ऑफ कनेक्टिविटी सिखाई जाती है कि अशोका केम आउट विद द पॉलिसी ऑफ धम्म। Why? आप पूछो किसी लड़के से जो क्लास 11, 12 में हो, जिसने ह्यूमैनिटीज पढ़ी हो, कि why अशोका came out with धम्मा, वो कुछ रटे हुए आंसर दे देगा आपको, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे सोचना नहीं सिखाया, उसे कनेक्ट करना नहीं सिखाया। कॉलेज मीन्स एनालिसिस, इसका क्या फायदा हुआ, ये कितना रेलेवेंट है आज, एनालिसिस।
इट्स रेलेवेंसी, आज ये रेलेवेंट है कि नहीं है, वॉज इट प्रॉफिटेबल फॉर अशोका और नॉट, इसके कुछ ड्रॉबैक थे या नहीं थे। अब जब लोगों का ये लेवल ही अच्छा नहीं है तो ये कैसे अच्छा हो जाएगा। Getting my point? जब 90% लोगों का ये लेवल ह्यूमैनिटीज में बेकार है, बुरा है, पता ही नहीं, कनेक्टिविटी ही नहीं, कि भैया टीचर ने नहीं ये नहीं बताया कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए अशोका वाज द एम्परर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तब तो भारत कंट्री थी नहीं, नेशन थी नहीं। इसलिए जितने लोग आईएएस की प्रिपरेशन करने आते हैं वो कोचिंग करने जाते हैं विदाउट दिस, और जितने लोग कोचिंग करने इसके बिना जाते हैं वो सारे के सारे लोगों के लिए कोचिंग यूजलेस हो जाती है, क्योंकि जिनको कनेक्टिविटी नहीं है वो एनालिसिस कैसे करेंगे, रेलेवेंसी कैसे समझेंगे, ड्रॉबैक कैसे समझेंगे, समझेंगे ही नहीं। और फिर इन दोनों का परिणाम है, इन दोनों का मिला जुला परिणाम है मेंस ऑफ यूपीएससी। और इस मेंस से वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाते हैं, सिंगल इंफॉर्मेशन टाइप, मल्टीपल इंफॉर्मेशन टाइप, मैच द फॉलोइंग, रीजन एंड असर्शन। प्रीलिम्स कुछ अलग नहीं है, मेंस की जो तैयारी है ना वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस के एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स के। इकरा, इस कोविड के दौर में, इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में, पहली बात तो मैं इस देश के सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं एक पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए। शुरुआत से, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इस देश के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हमने भी जब हमारा रिजल्ट आया तब हमने उसे डिक्लेयर किया। इकरा टुडे इज नोन इन इंडिया एज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट विद मिनिमम फीस। ये बड़ी हैरानी की बात है, बड़े सारे लोग बोलते हैं फंडिंग आती है, ये आती है, आओ चेक कर लो फंडिंग आती है तो। वैसे ही इतने पीछे पड़े हो, उसको भी चेक कर लो, मिनिमम। कोविड 19 एन इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से कंट्री गुजर रही है, और इस दौर में इकरा हैज गिवन द बेस्ट विद मिनिमम फी स्ट्रक्चर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो बेसिक्स की बात मैं आपसे कर रहा था, स्कूल लेवल की बात, बेसिक्स प्लस एडवांस, आपको नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के आओ, हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, या हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, हम पढ़ा रहे हैं आपको। हम आपको एनसीईआरटी फिर से पढ़ाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, वो हम पढ़ाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे आप पढ़ के आओ, अलग से आप हमारा कोर्स खरीदो, नहीं नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे इस एडवांस, पहले ये पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाएंगे, और फिर यही नहीं, फिर प्रैक्टिस भी कराएंगे। बेसिक्स पढ़ाएंगे, एडवांस फेज पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। 70,000 क्या जरूरत है बैंक से लोन लेने की, क्या जरूरत है उधार लेने की, क्या जरूरत है जमीन बेचने की, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है घर से बाहर आने की। आईएएस बनना है ना कि दिल्ली में रहना है, अब ये डिसाइड कर लो कि दिल्ली में रहना है कि आईएएस बनना है। इफ यू बिलोंग टू मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास और तुम्हारा सपना है, व्हाई यू आर गिविंग अननेसेसरी बर्डन टू योर पेरेंट्स, अपने मां बाप को अननेसेसरी बर्डन क्यों दे रहे हो, क्यों? जब गणेश भगवान ने कह दिया कि जो मां बाप के चारों तरफ चक्कर लगा ले वो समझ लो सारे तीर्थ कर लिए, तो लगा लो। इतनी क्राइसिस चल रही, इतनी परेशानी चल रही, इतना संकट चल रहा है, पढ़ना ही तो है। जय हिंद।